चलो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहला सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने फोन से पूरे एक दिन के लिए दूर रहे हो? दूसरा सवाल, क्या आपसे अगर कभी कोई फोन छीन लेता है तो आपको इनसिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस और बेचैनी महसूस होती है? तीसरा सवाल, क्या मोबाइल की नोटिफिकेशन की बेल बजते ही आप गुलामों की तरह मोबाइल का नोटिफिकेशन देखने भागे चले जाते हो? मुझे लगता है कि इन तीनों सवालों के जवाब हाँ होंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किलर जेनिक्स पर और मैं हूं सिद्धार्थ सभरवाल। सोशल मीडिया एक ऐसा जहर जो हमारे यूथ को अंदर से खोखला बना रहा है, दम बना रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे है। ये पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। 7 से 8 घंटे हमारे देश का यूथ समय बर्बाद कर रहा है अपने मोबाइल में घुस घुस के। और इस पूरे 7 से 8 घंटे का रिटर्न क्या है? जीरो। जीरो भी नहीं, मैं बोलूंगा नेगेटिव में है इसका रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। सोशल मीडिया एडिक्शन जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, हमने तो अपने से बड़े वाली जनरेशन जो हमारे पापा लोग हैं उनको भी फोन से एडिक्ट होते हुए देखा है, तो हमारी जनरेशन का तो लाजमी ही बनता है। हमारे देश का यूथ आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है कि वो अपने कैरियर को छोड़ सोशल मीडिया की वर्चुअल जिंदगी के पीछे भाग रहा है। सोशल मीडिया का एडिक्शन ड्रग्स, एल्कोहल, कोकेन से भी कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये सब चीजें हमें अपना गुलाम बनाती हैं, सोशल मीडिया ने भी आप सबको और हम सबको अपना गुलाम बना रखा है। आज इस वीडियो के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट, सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है? दूसरा पार्ट, सोशल मीडिया के नेगेटिव्स क्या हैं? इससे हमें क्या असर पड़ता है? तीसरा, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब सोशल मीडिया के एडिक्शन से हम कैसे बच सकते हैं? तो सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है? सोशल मीडिया एक एल्गोरिथम पे काम करता है, क्विक एक्सेस एंड इजी रिवॉर्ड्स पर। अगर मान लीजिए आपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर कोई फोटो अपलोड करते हो तो बार बार आप एक्सपेक्ट करते रहते हो लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स का। अगर मान लीजिए आपके पास कमेंट आता है, यार तू तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, तेरा हेयर स्टाइल तो बड़ा सुंदर है, तेरी तो आज ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, तो आप रिवॉर्डेड फील करते हो। और ये है बहुत सिंपल, क्यों? क्योंकि आपने फोटो खींच के डाल दिया और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और धीरे 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 ये एडिक्शन में बदल जाता है। आप क्या करते हो, आप अपना मेन काम जैसे आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब या किसी भी चीज को छोड़ के अब आपका फोकस हो जाता है कि नहीं, मुझे अब अपनी नई ड्रेसेस लेनी है, मुझे हेयर स्टाइल पे काम करना है, मुझे अपने चेहरे पे काम करना है, मुझे मेकअप करना है, मुझे सुंदर देखना है, इन सब चीजों पे फोकस करना शुरू करते हो, क्योंकि आपको लाइक्स एंड कमेंट्स की एक एडिक्शन लग जाती है। और आप अगर अब फॉर एग्जाम्पल किसी पुरानी फोटो पर 100 लाइक्स मिले हैं तो आप कोशिश करोगे 200 लाइक्स मिले, किसी पुरानी पर 2 कमेंट आए तो आप कोशिश करोगे कि 4 कमेंट आए, 10 कमेंट आए, इस रेस में आप लग जाते हो और इसीलिए ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। और ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सबको वेपनाइज किया गया है। इनके पास इतने सारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो ऐसी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जो हमारे दिमाग को इनसे एडिक्ट करते हैं। तो आज का स्ट्रगल सबसे बड़ा यही है कि अपने आप को इन सबसे एडिक्ट नहीं होने देना है। एडिक्शन का एक और बड़ा कारण है कि जल्दी जल्दी बहुत सारा कंटेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। रील्स के माध्यम से हम बहुत कुछ देख सकते हैं एक छोटे से समय के अंदर, लेकिन याद रखिएगा वो एक एक मिनट इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका मांग करते हैं कि आपका पूरा का पूरा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। आधे घंटे आप अगर रील देख लेते हो तो आपका, आपको लगेगा कि यार मैंने कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपना लूज कर दिया है, अपना पूरा दिमाग आप ड्रेन कर चुके होंगे उस आधे घंटे के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, दैट इज बैड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। हम सबको लगता है कि सोशल मीडिया कितना अच्छा है ना, इंस्टाग्राम कितना सुंदर है, सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, सब लोग कितने खुश हैं, सब लोग कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, सब लोग कितने सुंदर दिख रहे हैं, सब लोगों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, ये सब हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी रील्स में या यूट्यूब पर। दोस्तों ये सब सच नहीं है। हम लोग या हमसे जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सब इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी शक्ल कितनी खराब है, मेरे तो चेहरे पे पिंपल्स निकले हुए हैं, मेरे तो बाल झड़ रहे हैं। लेकिन आप दूसरों को देखो, इंस्टाग्राम पे जब रील्स देखते हैं या किसी को भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा चेहरा है इसका, कितना सुंदर है ये इंसान, इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर, हम सब बच्चों के अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जो ये सोशल मीडिया हमारे बच्चों में दे रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट से पता चला कि पिछले कुछ सालों में
14 से 35 साल के बच्चों में सुसाइड अटेम्प्ट्स इंक्रीज हुए हैं। हमें और आप सबको ये समझना होगा कि ये सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, सक्सेस दिखाई जाती है, सुंदर चेहरे दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में सब इंसान को भगवान ने बराबर बनाया है, सब इंसानों को भगवान ने खूबसूरती दी है, सब इंसान को भगवान ने थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज अपनी लाइफ में दी हैं और खुशियां भी दी हैं। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल वर्ल्ड में मिलते हैं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई जाएंगी। दूसरा बैड इफेक्ट है सोशल मीडिया का, हमें ये डम बना रहा है। आजकल के बच्चों को अगर आप कभी भी देखोगे तो रील्स पर लगे रहते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन एकदम खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक एक मिनट में नया कंटेंट चाहिए। उनको जल्दी जल्दी मजे लेने की आदत आ गई है, मतलब हर मिनट में एक नई चीज, हर मिनट में एक नया जोक, ऐसा चाहिए। इसी वजह से वो पढ़ाई में लंबे ड्यूरेशन तक कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते, बिकॉज उनको पढ़ने में मजा नहीं आता और उनका बार बार ध्यान रील्स पर जाता है, शॉर्ट्स पर जाता है, जिसकी वजह से वो डम होते जा रहे हैं और उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है टाइम वेस्टेज। जो भी समय हम सोशल मीडिया पे खराब करते हैं वो एक वर्चुअल वर्ल्ड पे खराब कर रहे होते हैं। अगर देखोगे तो आजकल के बच्चे आपको गार्डन में, प्लेग्राउंड्स में खेलते नजर नहीं आएंगे। हम जब 90s में थे तो शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक गार्डन में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आज ऐसा सीन नहीं है। बच्चा लोग अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने गेम्स खेलना ही बंद कर दिया है। मोबाइल में रील्स, शॉर्ट्स एंड वीडियो गेम्स में वो पूरा पूरा समय खराब कर रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, कि भैया अगर एडिक्शन हो गया है तो किस तरह से उससे बचें। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि एडिक्शन तो हो चुका है। मैं बार बार मोबाइल को उठाता हूँ जब भी पढ़ने बैठता हूँ, रील्स में मेरा समय बहुत खराब होने लगा है। तो दोस्तों सबसे पहला सुझाव है कि आप मोबाइल में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सबके नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। आपको ये समझना होगा कि नोटिफिकेशन आते ही आप उसके गुलाम बन जाते हो, भागे भागे चलते हो और मोबाइल को उठाने के लिए आपका दिल ललचाता रहता है। इसीलिए आप नोटिफिकेशंस को बंद करिए और जब भी आप पढ़ें तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें। दूसरी चीज, धीरे धीरे जब आपके एडिक्शन थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, आपको इसकी लत थोड़ी कम लगेगी, तो आप ये कर सकते हो, आप ऐप को डिलीट करना शुरू कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सबको डिलीट कर दो, और जब भी आपका मन करे इसको यूज करने का तो आप लैपटॉप पर यूज करो, क्योंकि लैपटॉप पर एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है ना, कि आपको लैपटॉप खोलना पड़ेगा, उसमें एंटर करना पड़ेगा, ब्राउजर खोलना पड़ेगा और तब जाके आप उसमें एक्सेस कर पाओगे। तो जब आपका एक्सेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको इसकी लत और कम लगने लगेगी, क्योंकि मोबाइल में तो आसान है, मोबाइल जेब से निकाला, ऐप खोला, चल गया। तो ईजी एक्सेस वाली पार्ट को हमें खत्म करना होगा और हमें लैपटॉप पर स्विच करना होगा जब भी हमें मन करे। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये 20 से 25 दिन तक फॉलो करते हो, नोटिफिकेशन बंद कर दो और धीरे धीरे ऐप को डिलीट कर दो, तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर अपना एडिक्शन भी खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि आपने एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अपना लिया है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करने का। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। लास्ट में बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब के जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं जो इन ऐप्स पे काम कर रहे हैं, उन सब का गुलाम बनना है या फिर उन सब की स्ट्रैटेजीज को हरा के एक महान इंसान बनना।